बीते काफ़ी दिनों से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर कई मुद्दों पर चर्चा में है। सीमा चार बच्चों के साथ अवैध रूप से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में अपने प्रेमी सचिन के साथ रहती हैं। इस बीच इस बात की जोरदार चर्चा शुरू हो गई है कि सीमा राजनीति में आएंगी। बताया जा रहा है कि एक पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ा ऑफर दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने सीमा को अपनी पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई। साथ ही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी तुलना की। सोनिया गांधी इटली से आकर हिंदुस्तान में राजनीति कर सकती हैं, प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन सकती हैं, तो पाकिस्तान से सीमा हैदर राजनीति में क्यों नहीं आ सकती, ऐसा सवाल उठाया गया है। किशोर मासूम ने आगे कहा कि सीमा हैदर वास्तव में निर्दोष हैं, उनके जासूस होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है और अगर उन्हें हिंदुस्तानी नागरिकता दी जाती है तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश महिला विंग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो क्या आप सीमा सच में राजनीति में आ सकती हैं? हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। सीमा हैदर एक उत्कर्ष वक्ता हैं। किशोर मासूम ने यह भी कहा कि उन्हें राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या सीमा हैदर जैसी महिला को भारत की नागरिकता देकर उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।